महादेव, जय श्री महाकाल, जय माँ तारा। मैं हूँ तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल तंत्र मंत्र टोने टोटके पर हार्दिक स्वागत है। दीपावली की समय है। सर्वप्रथम मैं तमाम देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। आइए दीपावली की रात कैसे की जाती है महाकाली की सिद्धि और क्या होता है महाकाली की सिद्धि प्राप्त होने से और कैसे करें महाकाली की सिद्धि। दीपावली की रात जहां आम जनमानस माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करके धन ऐश्वर्य के सुख समृद्धि का वर मांगते हैं, वही दीपावली की रात तांत्रिकों के लिए एक महत्वपूर्ण रात माना गया है। इस दिन तंत्र साधक किसी भी शमशान घाट में, शिवालयों में, खंडहर में और सिद्धपीठ में जाकर के महाकाली की सिद्धि करते हैं और माता से वर मांगकर जन कल्याण, मानव कल्याण और राष्ट्र हित में इसको प्रयोग करते हैं। महाकाली की सिद्धि कैसे की जाती है और क्यों की जाती है? महाकाली की सिद्धि करने से आपको हर प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, शत्रु का नाश होगा, दुश्मन का नाश होगा, रोग से मुक्ति मिलेगी, सारे विपदाओं और कष्ट से आपको निवारण मिलेगी। इसीलिए की जाती है महाकाली की सिद्धि। अमावस्या दीपावली की रात साधकों की पूरे वर्ष इंतजार रहता है और इस दिन साधक दो मार्ग से इसे सिद्धि प्राप्त करते हैं। तंत्र में दो मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग, एक वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग क्या है और वाम मार्ग क्या है? दक्षिण मार्ग यानी कि पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और वैष्णवी तरीके से इसको करना है, और वाम मार्गी जो साधना है वो पंचमकार क्रिया से की जाती है, मतलब मांस मछली मैथुन मोर मुद्रा और मद, ये पंचमकार क्रिया है, ये तामसिक क्रिया है। शमशान में ओम क्रिंग क्रिंग क्रिंग, होम होम ह्रिंग ह्रिंग महाकाली, क्रिंग क्रिंग क्रिंग, होम होम ह्रिंग ह्रिंग फट स्वाहा, इस मंत्र का पुरस्चरण संस्करण और जाप किया जाता है और जाप के साथ साथ अनुष्ठान भी की जाती है। इसमें यज्ञ अनुष्ठान चलता है। इस यज्ञ अनुष्ठान में शमशान की लकड़ी चाहिए, शुद्ध घी और साथ में बहुत तरीका से आपका सामग्री चाहिए। क्या सामग्री उसमें? जैसे सांप का कैचुल, उसके बाद बिल्ली का खेड़ी, उल्लू का नाखून, उल्लू का पंख आदि तमाम चीज दे करके एक जो है हवन सामग्री बनाया जाता है और उस हवन सामग्री से अनुष्ठान किया जाता है और उस अनुष्ठान में जो है प्रसाद के रूप में शराब की जो है भोग लगाया जाता है ताकि वो भोग साधक प्राप्त करे और शरीर में निरोग सारी प्रकार के विपदाओं से लेकर के तमाम कष्ट का हरण हो सके। और ये सिद्धि महानिशाकार रात्रि में की जाती है और उस समय माता महाकाली प्रकट होकर के साधक से वर मांगते हैं और साधक की मनोकामना पूर्ण हेतु उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं ताकि साधक
इस शक्ति को जन कल्याण में इस्तेमाल करें, मानव कल्याण में इस्तेमाल करें और राष्ट्र हित में इसे इस्तेमाल करें। इसीलिए ये महाकाली की सिद्धि इस रात को करना काफी महत्वपूर्ण माना गया है। ये बहुत गोपनीय साधना है, मैं इस साधना के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि यह गुप्त साधना है, लेकिन इस साधना से आपको क्या है लाभ, मैं यही थोड़ी से बात आप लोगों के बीच रखा हूं। और इसे महाकाली की सिद्धि, महाकाली की कृपा आप पर बना रहे और आपकी मनोकामना सिद्ध हो, आपकी सारे मनोकामना पूर्ण हो, यही मैं महाकाली से प्रार्थना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि आपका समय अच्छा जाए, आपका दिनचर्या ठीक रहे और आप निरोग रहे, यही मैं कामना के साथ आपसे विदा ले रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो पसंद पड़ गए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके बीच इस तरह का वीडियो लेकर के आ सकूं और आपको ज्ञान दे सकूं, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। आपसे विदा ले रहा हूं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता रानी।